एसपी साहब, और एक बार आप अपने से आकर करके मिलना चाहिए कि ये घटना बताइए। साल भर पहले जो आदमी आप एक बार परिजन को आकर के इसकी सुरक्षा की व्यवस्था आप लीजिए, और अगर जो कोई घटना घटित होगा एसपी साहब तो हम खुद आकर के यहाँ बैठेंगे। अपराधी धमकी देके जेल जाता है और आपके थाना प्रभारी उसको संरक्षित करता है और इसी के ऊपर उल्टे से प्रेशर डालता है। प्रभारी ने इसी के परिवार पर प्रेशर बना के झूठा केस में फंसा कर उससे समझौता करवाया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। विजय सिन्हा ने एक बार फिर से बिहार में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा दिया है। पुलिसिंग सिस्टम पर सवाल उन्होंने इसलिए उठाया है क्योंकि विजय सिन्हा जो कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो समस्तीपुर के खानपुर में पहुंचे थे जहां बीजेपी नेता की हत्या की गई है, और वहां पर उन्होंने जाते ही तुरंत एसपी को फोन लगाया, और एसपी को फोन लगाने के बाद क्या कुछ कहा सबसे पहले आप वो सुनिए। हाँ एसपी साहब, हाँ आवाज आ रही है आपकी? नहीं, ये अभी जो घटना घटी है खानपुर में, हम आए हुए हैं रघुवीर जी के यहाँ। ये मामला एसपी साहब, एक साल पहले ये घटना घटित हुआ, अपराधी पकड़ाया, ये लोग कह रहा था, वो धमकी दे के भी गया कि निकलेंगे बाहर तो मार देंगे, और इस घटना में कोई सावधानी नहीं बरती गई, मतलब और उस तरह के भ्रष्ट जो थाना प्रभारी है उसके विरुद्ध भी बताया जा रहा है, उसके बाद भी उसका यहाँ से ना हटाना, ये तो पूरा मामला लगता प्लांड वे में इस तरह की हत्या का नहीं होता। थाना प्रभारी को हटा देना मतलब इस तरह के भय के वातावरण से मुक्त हो सकता है क्या? इन लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था के साथ साथ ये पूरी घटना चक्र में उनकी इन्वॉल्वमेंट और कौन भ्रष्ट पदाधिकारी इस तरह के मामला में इन्वॉल्व रहा उस पर तो नहीं कार्रवाई हो इसे लोगों पर। और एक बार आप अपने से आकर करके मिलना चाहिए कि ये घटना बताइए। साल भर पहले जो आदमी मतलब इस तरह के है, क्या नाम है जी उसका जो पकड़ाया था, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद गुलाब, इस तरह के वातावरण दहशत के फैलाएगा फिर कैसे स्थापित होगा सुशासन? मैं कहाँ यहाँ पर तो आपके बारे में तो नहीं बताया क्या है? नहीं, आप एक बार परिजन को आकर के इसकी सुरक्षा की व्यवस्था आप लीजिए, और अगर जो कोई घटना घटित होगा एसपी साहब तो हम खुद आकर के यहाँ बैठेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीरता से है कि ऑलरेडी साल भर पहले ये घटना घटित होता है, अपराधी धमकी देके जेल जाता है और आपके थाना प्रभारी उसको संरक्षित करता है और इसी के ऊपर उल्टे से प्रेशर डालता है, इसका बेटा नौकरी करने गया है उसका नाम डलवा देता है और उसके बाद कंप्रोमाइज करवाता है, ये सब अति हो गया है। आप दिखवा दीजिए इसको अपने स्तर से। तो ठीक है, आप इसको दिखवा करके हमको कल पूरा डिटेल एक बार फिर हम बात करेंगे आपसे। प्रभारी ने इसी के परिवार पर प्रेशर बना के झूठा केस में फंसा कर उससे समझौता करवाया, आज उसी का परिणाम है ऐसे भ्रष्ट तंत्र। आज मैं विधानसभा अध्यक्ष के नाते जो विधानसभा में मामला उठाया था वो आज साबित हो रहा है कि आज ऐसे निकम्बापनी भ्रष्ट तंत्र और तुष्टिकरण की राजनीति का ये परिणाम हत्या का है, और इसके विरुद्ध में बिहार की जनता कोई भी चुप नहीं बैठेगी। ऐसे भ्रष्ट तंत्र गुंडा राज लाने वाले के विरुद्ध में हम लोग फिर से लड़ाई सड़क से सदन तक करेंगे। तो सुना आपने, भ्रष्ट थानेदार की बात कर रहे थे विजय सिन्हा, और ये कह रहे थे कि ये सोची समझी रणनीति के तहत कराई जाने वाली हत्या लगती है, अन्यथा कार्रवाई हो जानी चाहिए थी उस थानेदार पर जो कि मिला हुआ लगता है, और ये भी कहा कि साल भर पहले से ही जब उसने अल्टीमेटम दे दिया था अपराधी ने तो आखिर बीच में कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दरअसल समस्तीपुर के खानपुर में बीजेपी नेता रघुवीर की हत्या की गई और इसे उन्होंने दुखद और निंदनीय बताया है। ऐसी घटनाएं केवल तुष्टिकरण की राजनीति के कारण घट रही है, ये भी उन्होंने कहा, और
इस दौरान जब विजय सिन्हा एसपी को फोन लगाकर बातचीत कर रहे थे, उन्हें अवगत करा रहे थे मामलों से, या यूं कहें कि पुलिस की व्यवस्था पर आरोप लगा रहे थे, तो उस दौरान उनके साथ संजय सरावगी भी थे, विधायक बीजेपी के मदन मुरारी झा भी थे, रामचंद्र प्रसाद भी थे, वीरेंद्र पासवान थे, विधान परिषद सदस्य तरुण चौधरी भी थे और अन्य कई लोग और भी बीजेपी के मौजूद थे। सबसे खास बात यह कि जब विजय सिन्हा ने एसपी को फोन लगाया, इस दौरान उन्होंने कई सारी बड़ी बातें कही, इसके साथ ही बड़े बड़े आरोप भी लगाए हैं उस थानेदार पर भी और पुलिस की कार्यशैली पर भी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।